नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। दीपावली के 2 दिन बाद मनाए जाने वाला वो पर्व जब बहन अपने भाई का टीका कर उनकी लंबी आयु और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और भाई अपनी बहन को उपहार देकर उनका आभार प्रकट करता है। भाई बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व पर अगर शुभ मुहूर्त में बहन भाई को टीका कर ले तो भाई के जीवन से हर परेशानी हर समस्या का अंत हो जाता है। तो इस बार क्या कुछ खास है इस भाई दूज के मौके पर और बहन के आशीर्वाद से बदल सकती है भाई की किस्मत, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। गुरु जी, बहुत स्वागत है आपका। अब हम गुरु जी से जानेंगे कि कैसे भाई को टीका करें, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं। घर आया करो और इस दिन जो भी बहन अपने भाई का तिलक करेगी उसे तुम्हारा भय नहीं होगा। बहन यमुना के वचन सुनकर यमराज अति प्रसन्न हुए और उन्हें आशीष प्रदान किया और इस दिन से भाई दूज पर्व की शुरुआत हुई। इस पर्व से जुड़ी एक और पौराणिक कथा ये भी है कि भाई दूज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध कर वापस द्वारिका लौटे थे। इस दिन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फल फूल मिठाई और अनेकों दिए जलाकर उनका स्वागत किया, भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घ आयु की कामना की थी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। गुरुजी, दर्शकों को ये बताइए कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे बहनें अपने भाई को टीका करें। सबसे पहले तो बहनों को, भाइयों को परस्पर प्रेम बना रहे इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो शुभ मुहूर्त भाई दूज के दिन की ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है कि सूर्यदेव तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और इसी के साथ ही आप अगर देखें तो चंद्रमा का भी गोचर वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि के साथ अनुराधा नक्षत्र में देखा जा रहा है। तो सूर्य अगर तुला राशि में है और उसके साथ गोचर हो रहा है अनुराधा, अनुराधा हरे सब बाधा, ये इस प्रकार से है जैसे बाधाओं को दूर करने वाला है। तो ये बाधाएं दूर होंगी। बहनों को टीका करने के लिए विशेष कुछ ऐसी बातों की जानकारी होनी चाहिए जो मुहूर्त के हिसाब से वो करें। तो आज का चंद्र का मुहूर्त ये बता रहा है कि आप वैसे तो सामान्य रूप से कोई विशेष बाधा नहीं है, पूरे दिन आप टीका कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष मुहूर्त भी होते हैं जो जिन पे टीका किया जाता है। बिल्कुल, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है आचार्य जिसने, लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, वो समय शुभ क्या है तिलक करने का, ये भी दर्शकों को गुरुजी बताइए आप। जी, यही बात मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या है पूरे दिन में। वैसे तो पूरा दिन ही बहुत शुभ है, तुझ का दिन बहुत अच्छा होता है, लेकिन 6 नवंबर की दिन अगर तिलक आप दोपहर के समय करते हैं 1:10 से 3:21 तक, ये अवधि 2 घंटा और 11 मिनट की है, ये अमृत काल बोल दिया जाता है। इस समय अगर पूरे दिन में कर लेते हैं तो
तो आप ये समझ लीजिए कि आदि व्याधि दिक्कतें जितनी भी हो सकती हैं, बहन अपने भाई के पूरे एक साल की गारंटी, इंश्योरेंस कह सकते हैं, ये वो समय होता है। इतना बढ़िया ये मुहूर्त है जी। जी बिल्कुल, ये तो आपने बताया समय क्या होना चाहिए। अब दर्शकों को ये भी बता दीजिए, क्योंकि कई लोग ये नहीं जानते हैं कि क्या टीका करने का भी कोई तरीका होता है, ये भी दर्शकों को बताइए जी। देखिए, वैसे सही मुहूर्त में अगर आप टीका करते हैं तो सुबह स्नान करके बहनों को चाहिए कि व्रत का संकल्प लें, क्योंकि एक व्रत होता है टीका करने से पहले, जैसे कहते हैं ना बिना कुछ खाए पिए, लेकिन एक व्रत आप रख सकते हैं। पूर्व दिशा में ईशान कोण में अक्षत रखना चाहिए, अष्टदल कमल बनाने चाहिए, अष्ट कमल जो बनाते हैं उससे बहुत ही अच्छा, और भगवान गणेश की स्थापना करें, यम, यमुना, चित्रगुप्त, या इसके साथ यमदूत की भी आराधना होती है। और कई मंत्र ऐसे होते हैं जो बहनें पढ़ सकती हैं, वो बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं। धर्मराज नमस्तुभ्यम, नमस्ते यमुनाग्रजम, पाहि माम किन्नरे, सार्ध सूर्यपुत्रे नमोस्तुते, इस प्रकार से अगर आप पढ़ते नहीं तो आप प्रणाम भी कर सकते हैं। शंख हैं, ताम्रपत्र या अंजलि में जल, पुष्प, गंध, अक्षत लेकर यमराज का ध्यान करना चाहिए कि हमारे भाई को इन सब चीज़ों से मुक्ति दे। पूजा के बाद बहन छोटे भाई को लाल या बड़े भाई को पीले आसन पे, क्योंकि आसन पे बैठाना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि आसन देते हैं हम लोग देवताओं को देते हैं, तो बहनों के लिए तो आज भाई ही देवता हैं, इसलिए उनको आसन देके आप विधिवत पूजन करने के साथ टीका। बिल्कुल, तो ये आचार्य जी ने आपको बताया कि समय क्या होना चाहिए, टीका किस तरह से आप करें, ये सारी चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि अगर आपका भाई डॉक्टर है तो क्या करना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर सही समय में भाई को मुहूर्त करते हैं तो डॉक्टर यानी चिकित्सक चिकित्सक हैं, तो अगर छोटा हो तो बहन भोजन में गुड़ और सूजी का हलवा जरूर खिलाए। देखिए, इन सब पदार्थों का बड़ा महत्व होता है, उसका कैरियर बहुत अच्छा हो सकता है। भाई को पीले रंग के आसन पर बैठा के तिलक लगाते समय गंगा जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो ये तो आपने जाना अगर भाई डॉक्टर है तो क्या करें, लेकिन भाई अगर मीडिया में है या किसी अन्य क्षेत्र में है तो क्या करें गुरुजी? देखिए, मीडिया का क्षेत्र और अन्य क्षेत्र ऐसा हो जो पब्लिक से रिलेटेड हो, तो छोटा भाई अगर किसी भी क्षेत्र में है, बड़ा भी छोटा भी कैसा भी, तो खजूर का सेवन जरूर कराएं, क्योंकि उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो बुद्ध को प्रसन्न करते हैं, और बुद्ध प्रसन्न है, जैसे गाजर है, बादाम का हलवा इत्यादि है, ये भी आप दे सकते हैं। तो तिलक लगाते समय अगर थोड़ा सा शहद का इस्तेमाल कर लें बहने, तो क्या सोने पे सुहागा हो जाए। जी गुरुजी, अब जान लेते हैं कि जिसके भाई सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो वो क्या करें गुरुजी, दर्शकों को बताइए। ये बहुत ही अच्छे आपने प्रश्न बनाए हैं। आप देखिए, अलग अलग फील्ड के हिसाब से अगर सुरक्षा में है, या जैसे कह सकते हैं पुलिस में है, फौज में है, तो सबसे पहले तो लाल या पीले रंग का आसन, आसन बहुत जरूरी होता है, और पूर्व दिशा इसमें मुख करके बैठा है, भगवती बगुलामुखी और हनुमान जी का ध्यान करें, एक चित्र ले आए पहले से और हनुमान जी का ध्यान करें। तिलक में लाल चंदन और देसी घी का प्रयोग करना, ये बहुत अच्छा होता है। और विशेष रूप से भाई पीले वस्त्र अगर धारण करके हल्दी का तिलक करे भाई को, तो भी ये बहुत ही अच्छा एक प्रभाव। भाई दूज के दिन जाहिर सी बात है कि बहनें जो हैं, वैसे तो पूरे साल ही बहनें अपने भाई की लंबी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं, लेकिन कई बहनें हैं जिनके भाई बीमार रहते हैं, तो वो क्या करें? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही विशिष्ट प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि लंबी आयु के साथ साथ स्वास्थ्य का भी मतलब एक वरदान देती हैं बहनें, तो उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि बीमारी को दूर करने के लिए कुशा ले लें, और कुशा का जल बहन तिलक करने के बाद भाइयों के ऊपर जरूर छिड़कें, और इसके साथ साथ गंगा जल और तुलसी, इसका भी जल पहले से तैयार रखें। गंगा जल तो गुरुजी वैसे ही बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध माना जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, गंगा जल के साथ आप तुलसी रखें, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखें, और तिलक करने के बाद थोड़ा सा उसको अपने भाई को पिला भी दें। अच्छा, तो ये इतना अच्छा ये कार्य हो जाएगा कि बीमारी, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ चिकित्सक की सलाह लेते रहे, लेकिन बीमारी काफी हद तक दूर हो सकती है बहन के आशीर्वाद से। गुरुजी बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार।